लास्ट में जब मेरी स्पीच हुई तो मेरी स्पीच में मैंने पहले फाइनेंस मिनिस्टर की जो ग्रांट थी उसमें कहा कि आप कलमा गो हैं, आप कलमा लगेगा इलाम सस्ते हैं, और पढ़ने के बाद हमें कुरान इजाज़त नहीं देता है, हमें हदीस इजाज़त नहीं देता है, ना ही कोई धर्म इजाज़त देता है कि शराब नोशी जो है आम हो जाए। और जबकि यहाँ एक दो एम एल एज ने इससे पहले भी सवाल उठाया था कि बहुत सी दुकानें हमने शराब के लाइसेंस दिए हैं, उस पर चर्चा हुई और मैंने अपनी नकली में कहा कि इस पर रियासत में बंदिश लगनी चाहिए या बंद होना चाहिए, पूरी इंटायर रियासत में मुस्लिम स्टेट है, ख़ास करके आबादी के तनासब के मुताबिक, और इसमें जब बिहार में बंद कर दिया जिनको अरबों और खरबों रुपया इस पर टैक्स आता था, सेल टैक्स आता था, एंट्री टैक्स आता था, फूड टैक्स आता था, तो हमारी रियासत को इतना टैक्स नहीं आता, हमारी रियासत इसे कोई डूबने वाली नहीं है। ये तो हदीस और कुरान के मुताबिक साहब एक नाम रखे, जैसे शहर कश्मीर ने नाम रखा जरी इस्लाम था, उसे आज़ाद साहब ने यहाँ पर टूलिप बनाया, ये टूरिज़म जो आते हैं 6 महीने पहले आते हैं, कई कुछ लोग कुछ साख्त अपनी छोड़ी है, आप भी ये साख छोड़ो कि रियासत जम्मू कश्मीर में शराब बंद करे, खुदा भी राज़ी, दीन भी राज़ी, दुनिया भी राज़ी हो, माहौल चाहिए, क्योंकि आज ये जो ड्रग एडिक्शन इतनी है कोई अंदाज़ा, हमारे बच्चे जो है तबाही की तरफ जा रहे हैं, चरस की तरफ जा रहे हैं, बाकी टैबलेट्स की तरफ जा रहे हैं, बुरे नशा और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, माशरा हमारा रियासत का जो है तबाह बर्बाद हो रहा है, इसलिए इसको बंद कर दिए, इसे यहाँ पे ममनू करा दिए, जिसे बिहार ने किया और बाकी भी स्टेटें कर रही हैं, शुरुआत आपसे होनी चाहिए। उन्होंने कहा हम इसको नहीं कर सकते हैं, जो पीना चाहता है पिएगा, जो नहीं पीना चाहता नहीं पिएगा।